डीएमके नेता के पुनमुड्डी पहले नेता नहीं है जिन्होंने सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान दिया हो। इससे पहले तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन भी सनातन धर्मी की तुलना बीमारी से कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन को सनातन के समूह नाश के लिए तैयार किया गया है? क्या इंडिया गठबंधन किसी धर्म को टारगेट करने के लिए तैयार किया गया है? ये सवाल सबसे अहम है और इसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट देखें। वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म का के ऊपर ही चोट पहुंचाई जा रही है, इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है। सनातन पर सियासी महाभारत, डीएमके के मंत्रियों के बयान पर मचा बवाल, देश भर में सनातन के अपमान पर घमासान। सनातन धर्म पर डीएमके नेताओं का हमला जारी है। उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बाद अब डीएमके सरकार में मंत्री के पोनमुड्डी ने विवादास्पद बयान दिया है। जूनियर स्टालिन के बाद मंत्री पोनमुड्डी ने बयान देते हुए कहा कि INDIA गठबंधन को सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि गठबंधन में सहयोगी दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई में सभी दल एकजुट हैं। இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் इससे पहले उदयनिधि स्टालिन, फिर प्रियांक खड़गे और ए राजा, उसके बाद डीएमके के मंत्री के पोनमुड्डी, जो इन दिनों सनातन पर दिए गए विवादास्पद बयान की वजह से विवाद में हैं। दक्षिण भारत की सियासत के इन तीन चेहरों पर सनातन विरोधी होने की छाप लग गई है, जिसकी शुरुआत कहीं न कहीं तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने की। மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். जूनियर स्टालिन के बयान से एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन के कुछ दलों ने किनारा कर लिया, तो वहीं उनके बयान के समर्थन में उनके पार्टी के नेता खड़े होते दिखाई दिए। மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று, மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு ஒரு சனாதனத்தை சொல்லும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது. करीब 8 दिन पहले ये विवाद उदयनिधि स्टालिन के बयान से शुरू हुआ था, जिसने सियासी रंग पकड़ा, लेकिन बीच में ठंडा पड़ने के बाद एक बार फिर सियासत का हथियार बन गया। और अब जब डीएमके के एक और मंत्री ने विवादास्पद बयान दिया है और उससे गठबंधन को भी जोड़ दिया है, तो बीजेपी के खेमे से भी हमले होने शुरू हो गए हैं। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी करारा हमला बोला। सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुला करके देखेगा, वो उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाए। इस देश में कितने आक्रांत आए भारत के वैभव को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत की सभ्यता को और सनातन धर्म को पतित करने के लिए कितने उनके आक्रांता देश में आए। हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करते, हम
अपमान को उखाड़ करके फेंकता और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल दें। INDIA गठबंधन सनातन के विवाद में घिर गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस मामले पर बाकी दलों ने अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यही वजह है कि BJP को विपक्षी दलों के साथ साथ खास तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेरने का मौका मिल गया है। सनातन पर शेखावत के जवाबी हमले के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके हमला बोला है। ओवैसी ने ट्वीट में कहा कि G20 खत्म हो चुका है और डिक्लेरेशन के पॉइंट 78 का कोई मतलब नहीं है। मोदी कैबिनेट के माननीय मंत्री हिंसा का समर्थन करते हैं, इसलिए अब ये एक खुलासा तो होने वाला है। ये गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और ट्वीट की जो बड़ी बातें हैं वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। G20 से सीधे लिंक करके इस बयान को उन्होंने देखा और कहा कि अब एक खुला सत्र होने वाला है। ये असदुद्दीन ओवैसी का ये सनातन का पूरा जो मामला चल रहा है, लेकिन यही असदुद्दीन ओवैसी जब एक के बाद एक सनातन पर वार होता रहा उस वक्त उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं किया। जब प्रियांका खड़गे ने बोला, जब MK स्टालिन के बेटे ने बोला, तभी भी उन्होंने कोई बात नहीं।